दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जहां पर आप मल्टीपल ग्रोथ कर सकते हो। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से दो यंग फाउंडर्स ने जीरो से इस बिजनेस को शुरू किया और आज सिर्फ 2 सालों में इनके एक नहीं बल्कि 10 आउटलेट्स हैं और सभी आउटलेट्स इन्होंने अर्निंग करके बनाए हैं। जी हां दोस्तों, प्रॉफिट करके बनाए हैं। तो आप भी जब इस बिजनेस में आएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी आप खुद सोचिए। जब ये कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो इंडिया के हर कोने में चलेगा, आप कहीं भी ओपन करिए, इसके लिए आपको ग्राहक मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं मालवीय नगर के ओवल बिन कैफे में। दोस्तों दिल्ली की हॉट प्रॉपर्टीज में इनके कैफेज हैं। इन्होंने 2020 में अपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज सिर्फ 2 सालों में इनके 10 आउटलेट्स हैं और ये सभी आउटलेट्स अपने आउटलेट्स हैं, ऑन आउटलेट्स हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब इनके पास कोई फंड नहीं था, लोगों से उधार लेकर अपनी कुछ सेविंग्स लेकर इस बिजनेस को शुरू किया था बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। और आज इनके आउटलेट्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे दिल्ली के अंदर। और 10 आउटलेट प्रॉफिटेबल करने के बाद अब ये लोगों को दे रहे हैं फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आज आपको मिलवाने वाला हूं 2 ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने इस बिजनेस को सिद्ध करके दिखाया है, जिन्होंने बताया है कि कैफे बिजनेस में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। आइए हम और आप मिलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहां पर आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं ओवल कैफे के फाउंडर्स राकेश मिश्रा जी और सचिन चौहान जी, जो आपको बताएंगे किस तरीके से ओवल कैफे ने 2 साल में इतनी तरक्की हासिल की है, इतनी सक्सेस हासिल की है और किस तरीके से आप भी ओवल कैफे की फ्रेंचाइजी अपने शहर में ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर सचिन जी का और राकेश जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग अपने बारे में कुछ बताएं। राकेश जी आप बताएं और सचिन जी आप भी बताएं कि आखिरकार ओवल कैफे खोलने से पहले आप क्या करते थे। सर या बेसिकली मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, एचएम किया है फ्रॉम आईएचएम भोपाल, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज इन 2010। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय होटल मैनेजमेंट 2010 में करने के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया मैकडोनल्ड से, जो कि रेप्यूटेड चैन है इन QSR फील्ड। सो मैंने 2010 में स्टार्ट करा, मुंबई में मैंने काम किया कांदीवली में। सो आई डिड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन मुंबई का, मैं खार रोड में स्लम्स में रहता था, वहाँ से कांदीवली में जाके जॉब करना, सो इट वॉज टफ टाइम बट टू लर्न समथिंग आई हैड डिड लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर। और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी, लाइक कस्टमर हैंडलिंग, क्वालिटी, सर्विस, क्लीननेस एंड वैल्यू, एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम मैकडोनल्ड, दैट वॉज माई फर्स्ट कंपनी। तो सचिन जी आप भी बताएं सर, आपने ओवल कैफे खोलने से पहले अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी लाइफ में एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग मेरी KFC से ही थी और उसके बाद मैंने काफ़ी रेप्यूटेड चेन में भी काम किया है, लाइक कैफे कॉफी डे, बरिस्ता एंड ऑल। उसके बाद हमने सोचा कि हम खुद का क्यों ना करें कोई। तो काफ़ी टाइम हो गया था जॉब करते करते, एक दिन विचार आया कि हमने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना और कोई अच्छा कैफे अपना हम डालते हैं। तो हम दोनों ने माइंड में लिया तो हमने एक कंपनी स्टार्ट की, ओवल बिन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और उसका जो ब्रांड नेम है, जो हमारा कैफे नेम है, ओवल बिन कैफे। तो ये हमने स्टार्ट किया। उसके बाद अब हमने स्टार्ट किया फर्स्ट कैफे से, एक कैफे से स्टार्ट किया। अभी हमारे 10 आउटलेट है इन दिल्ली NCR और रेपुटेड जगह पे लोकेशन वाइज, एंड वी विल ओपन मोर कैफे एज सून एज पॉसिबल। अभी हम फ्रेंचाइजी मॉडल में आना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से छोटी सी नौकरी से आज 10 कैफे, वो भी मैं आपको, आप खुद सर्च करिए गूगल पर आपको मिल जाएगा, 10 के 10 कैफे इन द प्राइम लोकेशन ऑफ दिल्ली, साउथ दिल्ली में है और हॉस्पिटल्स में भी हैं और सारे प्राइम लोकेशंस पर हैं। जहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर जो इनकी जेंट्री है वो बहुत ही हाई जेंट्री है। किस तरीके से एक छोटी सी नौकरी से बहुत स्ट्रगल से 10 अपने आउटलेट, इन्होंने पहले फ्रेंचाइजी नहीं दी, पहले अपने 10 आउटलेट्स खोले, पहले वहां पर उनको प्रॉफिटेबल बनाया, पहले इसके पूरे इकोनॉमिक्स को समझा और जाना कि अगर हम प्रॉफिट कर सकते हैं तो कोई भी प्रॉफिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज ब्रांड ओपन किया और कल से फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। 2020 में इन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत की और आज इनके 10 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने ओवल बिन कैफे की शुरुआत की तो शुरुआती दौर में आपको कैसा रिस्पांस मिला और आज आप 10 आउटलेट्स चला रहे हैं तो आज का रिस्पांस आपका कैसा है? चूँकि मैं सेम फील्ड से हूँ और मेरा पार्टनर सचिन कुमार भी सेम फील्ड से है। तो जब हमने फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट किया मालवीय नगर रेनबो हॉस्पिटल में,
तो एज ए एंटरप्रेन्योर इट वॉज आवर फर्स्ट जर्नी, क्योंकि हमने काफ़ी जॉब किया 10-12 साल, तो ये फर्स्ट जर्नी था, तो हमें लग रहा था कि हम आगे कैसे बढ़ें। लेकिन हमने स्टार्ट करा रेनबो हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल वी हैव स्टार्टेड एन फर्स्ट कैफे, कस्टमर का रिस्पॉन्स वॉज एवरेज, सो वी हैव टेकन फीडबैक। हम सबसे फीडबैक लेना स्टार्ट किया हमने कस्टमर से कि सर हमारी फूड, हमारी क्वालिटी, फूड की क्वालिटी एंड बेवरेज क्वालिटी कैसी है सर। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, जो भी हमने सीखा, जो भी हमने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में लर्न किया उसको इम्प्लीमेंट किया अपने कैफेज में। हमारी जो फर्स्ट कैफे से रेवेन्यू जनरेट होने शुरू हो गई। तो बेसिकली पहले कैफे से ही आपने रेवेन्यू जनरेशन किया है, तो कितना कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा आया, बहुत अच्छा लगा। अब जैसे रेवेन्यू आता है तो सबको अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो हमें कॉन्फिडेंस बना। तो हमने सोचा कि अभी एक था, अभी हम और आगे बढ़ाते हैं इस चैन को लाइक अदर्स, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली बाहर से सब आके अपना चैन बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक इंडियन चैन हम बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। आपने नौकरी छोड़कर इस बिजनेस से शुरुआत की है, और नौकरी छोड़ने के बाद इतना फंड होता नहीं लोगों के पास कि अपना घर भी चला लें। आपने एक के बाद दो, दो के बाद तीन, आज 10 आउटलेट्स हैं, वो भी सारे आपके अपने हैं। तो आपने फंडिंग को किस तरीके से मैनेज किया? और एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज आता है कि अलग अलग जगह आउटलेट खोलना और उसको संभालना, तो यहाँ पर आपको चैलेंज क्या क्या है? चैलेंज इसमें काफ़ी था, जैसे कि अभी हमने क्या किया है कि एक आउटलेट से हमने मल्टीपल आउटलेट डाले, उसमें हमारे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं और एक ऑपरेशन मैनेजर होता है, तो ऑपरेशन मैनेजर ही पूरा ऑपरेशन हैंडल करता है, तो जिससे कि हमारा ऑपरेशन स्मूथ चलता है। और चैलेंजेस काफ़ी आए हमारे पास भी, क्योंकि लॉकडाउन में हमारी जॉब चली गई, उसके बाद हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी नहीं सोच सकता है, लेकिन हमने कुछ सोचा, कंफर्टेबल जोन से हम बाहर निकले। उसके बाद हमने आपस में ही थोड़ा बहुत जो भी फंड था हमने इकट्ठा किया, कुछ हमने लोन लिया, कुछ कोलीग से या फिर घर वालों से हमने लिया, तो उसको इकट्ठा करके हमने एक कंपनी, अपना ऑर्गेनाइजेशन डाला, कैफे अपने डाला हमने फर्स्ट। फिर उसके बाद जैसे ही रेवेन्यू हमारा जनरेट होना स्टार्ट हुआ तो हमें कॉन्फिडेंस भी आया, हमारे पास पैसा भी आने लगा, हमने आगे और कैफे भी डाले, तो वहीं से बस हमें बेसिकली हमने जब फर्स्ट कैफे हमने जब डाला तो उससे एक साल तक हमने वेट किया ताकि कुछ रेवेन्यू हम सेव कर सके। तो उससे हमने सेविंग करके फिर नेक्स्ट स्टेप हमने 2020 में हमने काफ़ी सारे आउटलेट्स में ऐड किए। तो बेसिकली आपने एक से कमाकर दूसरा, दूसरे से कमाकर तीसरा। तो बेसिकली आप सोचिए कि जब कोई एंटरप्रेन्योर सिर्फ 2 से 3 साल की जर्नी में 1 से 10 आउटलेट तक पहुंच सकता है, तो जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है? सिर्फ मेहनत के ऊपर और डेडिकेशन के ऊपर है। जितना मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये डेडिकेशन देने में कहीं पीछे नहीं रहते। कोई भी बिजनेस में जब आप अपना फुल ऑन देते हो तो बिजनेस भी आपको वैसा ही रिवर्स देता है। बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मार्केट में क्या है कि कंपटीशन बहुत है, चाहे आप कॉफी कैफे की बात करें या अगर आप टी कैफे की बात करें, तो बहुत कंपटीशन है। आपको डर नहीं लगा है बिजनेस में एंटर करने से पहले कि जॉब नहीं है, सेविंग्स नहीं है अपने हमारे पास, कहीं ये बिजनेस फेल हो गया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने काफी सारी कंपनियों में काम किया है, तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फील्ड को हम समझते थे कि कहाँ पे क्या लैग कर रहा है, क्या हम उस पर ऐड कर सकते हैं जो कि ये मार्केट में हम सक्सेस कर जाएं। और ऑल्सो वी हैड अ जील, कुछ करने का जज्बा था हमें दोनों, हम लोग का विचार काफ़ी मिलता था कि हम खुद का कुछ करें और आगे बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की कंपनियों को रन करते हैं, उनकी टर्नओवर को अरबों खरबों तक पहुँचाते हैं, तो हम खुद का क्यों ना करें। तो हमने खुद का स्टार्टअप किया, जो भी एक्सपीरियंस हमने सारा उस पर झोंक दिया, सारा यूटिलाइज किया, और इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं, जो हमारी यूएसपी है, क्योंकि काफ़ी सारे आउटलेट मार्केट में हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन मेरा यही होने वाला है कि आखिरकार ओवल बीन कैफे किस तरीके से बाकी लोगों से बेहतर है। बिल्कुल सर, ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि काफ़ी सारे आउटलेट है, टी के भी आउटलेट पर डे ओपन हो रहा है, और कॉफ़ी के बहुत सारे आउटलेट है, लाइक MNC बाहरी कंपनियाँ एंटर कर रही हैं इंडिया में। तो हमारे जो यूएसपी है कि वी वॉन्ट टू सर्व आवर कॉफ़ी एंड फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। हमारा जो प्राइस रेंज है काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब एवरी वन कैन हैव कॉफ़ी, कॉलेज टाइप ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, हमने सब कुछ कवर किया है, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, सैंडविचेज, रैप, सो वी हैव कवर्ड फूड एंड बेवरेज बोथ। तो मेन्यू आपका बड़ा वाइड मेन्यू है, right. और जिसकी वजह से आपकी टारगेट ऑडियंस बढ़ जाती है, right. सर आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी यूएसपी के बारे में? यूएसपी हमारी ये, वी सर्व ऑल द फूड एंड बेवरेजेस एट बेस्ट क्वालिटी। जो भी हमारी क्वालिटी रहती है वो एकदम 100% रहती है, लाइक अदर्स उनसे भी ऊपर ही रहती है। तो हम सर्व करना चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस, ओके, नॉट टू मच हाई प्राइस, बिकॉज हमारे इंडिया में क्या है कि हर तरह के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास,
तो हर कोई बंदा कैपेचिनो या फिर कॉफी या फिर इतने महंगे सैंडविचेस अफोर्ड नहीं कर पाता था, हम भी नहीं कर पाते थे, हम बाहर जाते थे कहीं, तो वहीं से हमें थोड़ा माइंड आया कि हम क्यों ना थोड़ा कम प्राइस पे सेम हम चीज उससे भी अच्छी चीज हम बाकी अदर से भी दे सके, तो वही हम फोकस करते क्वालिटी पे अपनी। इसमें मैं दो तीन चीज और ऐड करना चाहूंगा सर प्लीज। हाँ, इसमें क्या है कि जब मैं पर्सनली मैं जब कॉफी डे में काम कर रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि वहाँ पे 3-4 गेस्ट गेट टुगेदर पार्टी करने आते हैं, हाँ जी, बट दे ऑर्डर वन कॉफी और बाकी 2-3 लोग उनको बस देखते रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते, मैंने पूछा भी, तो बोले यार प्राइस इज वेरी हाई। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम प्राइस ऐसा रखें जो कि चारों कॉफी पी सके, बल्कि हम डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन आप खाली हाथ या खाली मतलब खाली पेट यहाँ से ना जाए वापस, आप चारों कंज्यूम कर सके। एंड सेकेंड थिंग मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो भी हम फूड जो हम प्रिपेयर करते हैं, हाँ जी, वो फ्रेश होता है, नथिंग वी यूज फ्रोजन, इन फ्रोजन आप कुछ फ्रोजन नहीं है, इन फ्रंट ऑफ कस्टमर वी प्रिपेयर सैंडविचेस, ओके, उनके सामने कौन सा सॉस उनको चाहिए, वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ सॉसेज, ओके, वी प्रिपेयर फ्रेश सॉस, वी प्रिपेयर फ्रेश चिकन, फ्रेश पनीर एट आवर कैफे लेवल ओनली, तो वी सर्व फ्रेश फूड एट अफोर्डेबल प्राइस, दिस इज आवर USP। तो बेसिकली आप लोगों को हमने ये प्रूफ किया कि आखिरकार ओवल बिन कैफे प्रॉफिटेबल है, तभी तो 1 से 10 तक पहुंचा है, कस्टमर्स हैं इनके पास, तभी मल्टीपल लोकेशन साउथ दिल्ली में ये अवेलेबल है, आप खुद सर्च कर सकते हो इनको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो आपने एक सक्सेस हासिल करने के बाद फ्रेंचाइजी में आने की सोची, तो आप फ्रेंचाइजी में जाने की क्यों सोच रहे हैं, क्यों नहीं मल्टीपल आउटलेट पूरी इंडिया में अपने ही कर लें? देखिए आजकल का जो दौर चला हुआ है, सो काफ़ी सारे कंपनियों में छटनी का दौर, हाँ जी, मतलब आप ले ऑफ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, तो उस समय मुझे भी पर्सनली मुझे फील हुआ कि मैं उसको कैसे उसको जॉब दे सकूं, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकूं, हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी में हमारा शेयर क्या हो सके। तो हम चाह रहे हैं कि नए जो यूथ है, जो युवा है, जो चाह रहे हैं अपना स्टार्ट करने के लिए, तो वो खुद का कुछ करे, तो हम चाह रहे हैं फ्रेंचाइजी लेवल पे उसको लाने के लिए एट अफोर्डेबल प्राइस, ये भी हम चाह रहे हैं कि आपको कम प्राइस में हम फ्रेंचाइजी दें और आप खुद का कुछ अपने दम पे कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। बिल्कुल, मैं फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले सचिन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इसका टारगेट ऑडियंस कहाँ होगा, मतलब कि किसी सेलेक्टेड सिटी में होगा या पैन इंडिया होगा, या फिर आप किसी को फ्रेंचाइजी देने से पहले उसमें क्या देखना चाहोगे? इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो पैन इंडिया होगा एक्चुअली, और हर जगह हम हर कोने पे हर गली में हम फ्रेंचाइजी देंगे। फ्रेंचाइजी को मस्ट है कि उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, पैशन हो, जज्बा हो काम करने का, बिजनेस करने का, जैसे हम में पहले से ही था बचपन से, हाँ जी, तो वो होता है, हर किसी को होता है कि मेरे को अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, बट उनको क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, राइट, तो वी विल प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म, आप आए हमसे फ्रेंचाइजी ले, आप बेहिचक काम करिए, आगे आगे हम बढ़ाएंगे आपको, बस आप में पैशन होना चाहिए काम के प्रति, आप बिजनेस स्टार्ट करिए, हम बैठे हैं। बहुत बढ़िया सर, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो फ्रेंचाइजी बताओ के दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस फ्रेंचाइजी में आपको क्या मिलने वाला है, किस तरीके से फ्रेंचाइजी मिलेगी, तो फटाफट से जानते हैं कि ओवल बिन कैफे फ्रेंचाइजी के इकोनॉमिक्स क्या है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका फ्रेंचाइजी मॉडल क्या क्या है, किस किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी देते हैं? तो बेसिकली जो फ्रेंचाइजी का हमारा दो मॉडल हमने अभी डिसाइड किया है इनिशियली, फर्स्ट मॉडल होगा कियोस्क मॉडल, अगर कोई चाह रहा है कियोस्क मॉडल पे काम करना कहीं मॉल्स में, कहीं फूड कोर्ट में, या फिर कहीं हॉस्पिटल्स में, तो फ्रेंचाइजी मॉडल जो है उसके लिए 3 लाख अराउंड कियोस्क मॉडल कियोस्क मॉडल के लिए फ्रेंचाइजी फी होगा। एंड सेकंड वन इज लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डाइन इन कैफे, जहाँ पे टेबल चेयर्स हो और सीटिंग अप्रोक्स 20 के अप्रोक्स सीटिंग हो, तो उसके लिए अप्रोक्स 5 लाख फ्रेंचाइजी फी है। So तो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके के बिजनेस मॉडल है, पहला कियोस्क मॉडल जैसे आप जानते ही हैं, आप फ्रेंचाइजी बताओ पर बहुत सारे बिजनेस पहले देख चुके हैं, तो कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी फीस 2,99,000, आप 3 लाख मान लीजिए, और अगर हम बात करें डाइनिंग की तो वहाँ पर फ्रेंचाइजी फीस आपको 5 लाख रुपए पे करनी पड़ती है। यहाँ पर आपकी एरिया रिक्वायरमेंट क्या है, कियोस्क कोई खोलना चाहता है तो कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, और कोई डाइनिंग खोलना चाहता है तो कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए? कियोस्क में टू रन स्मूथ बिजनेस, स्मूथ कैफे, कियोस्क में मिनिमम 150, हाँ, तो 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, चाहे मॉल में स्टार्ट करें या हॉस्पिटल्स में। एंड फाइन डाइनिंग के लिए मिनिमम एरिया 250 स्क्वायर फीट, उसके ऊपर अगर 300 है 400 है तो दैट इज ओके। अब कियोस्क में 3 लाख रुपए आपकी फ्रेंचाइजी फीस होगी, डाइनिंग में 5 लाख रुपए आपकी फ्रेंचाइजी फीस होगी, उसके अलावा जो फ्रेंचाइजी लेगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, क्योंकि इंटीरियर में भी इन्वेस्टमेंट होना है, फर्नीचर फिक्सचर्स और इक्विपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट होना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कियोस्क में कितना जाएगा और आपका
डाइन इन में कितना जाएगा? हाँ, चूँकि कियोस्क मॉडल में हमें डाइन पे फोकस कम करना पड़ता है, आपके इंटीरियर जो किचन सेटअप ज़्यादा है उस पर फोकस करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स है प्लस किचन के सारे आइटम्स है प्लस पॉस है जो भी है, तो उस पर आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम अप्रॉक्स आप 12 लाख में वो स्टार्ट हो सकता है कियोस्क मॉडल। और इफ़ यू विल टॉक अबाउट द फ्रेंच लाइक डाइन इन मॉडल, सो यू हैव टू इन्वेस्ट अप्रॉक्स 15 to 20 lakhs, इट डिपेंड अपॉन द एरिया। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो इंटीरियर पर ज़्यादा खर्च होगा, अगर एरिया अप्रॉक्स 250-300 square feet है तो आपको 15 lakh के अप्रॉक्स आप स्टार्ट कर सकती है। और इसमें आपकी रॉयल्टी फीस कितनी रहेगी सर? बेसिकली रॉयल्टी फी हमने अभी काफ़ी मिनिमम रखा है ताकि जो यूथ है या कोई भी स्टार्ट करना चाह रहे अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सके। ओनली 5% वी आर चार्जिंग एज अ फ्रेंचाइजी फी। 5% ऑफ द रेवेन्यू? 5% ऑफ रेवेन्यू, राइट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सचिन जी कि जो फ्रेंचाइजी लेगा, चलिए मैं समझ में आ गया है कि अगर कोई कियोस्क मॉडल खोलेगा तो 11 लाख 12 लाख रुपए के अराउंड में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा, अगर कोई डाइनिंग खोलेगा तो 15 लाख या फिर जितना बड़ा एरिया होगा उसके हिसाब से उसकी फीस बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा? जब कोई फ्रेंचाइजी लेता है किसी ब्रांड का नाम लेता है तो वो चाहता है कि ब्रांड उसको सपोर्ट करे, तो आप उसको क्या क्या सपोर्ट करोगे सर? हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, लाइक हमारा जो ऑपरेशन होगा वो कंपनी उसमें पूरा पूरा हेल्प करेगी, पूरा ऑपरेशन स्मूथ चलाने में, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स है वो सब कंपनी प्रोवाइड कराएगी, जो भी फूड मटेरियल है हमारी ओन बेकरी है वहाँ से सब कुछ बन के प्रिपेयर होके ऑलरेडी आपके पास जाएगा, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा क्वालिटी से रिलेटेड एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे प्लस मार्केटिंग भी प्रोवाइड कराएंगे, एवरीथिंग डिजिटल मार्केटिंग हो गया, नॉर्मल डोर टू डोर मार्केटिंग हो गया, तो उस कंपनी उसमें सब चीज़ में आपको हेल्प करेगी, हर तरीके से हेल्प करेगी। सर कोई और सपोर्ट जो आप लोग करते हो सर, कुछ और आप बताना चाहें? हाँ, बेसिकली हम जो भी इस फील्ड में न्यू अभी एंटर करना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर हम गाइड, प्रॉपर ट्रेनिंग, इवन ऑनर जो होंगे उनको भी ट्रेनिंग करवाएंगे, सर आप स्टाफ को कैसे हैंडल करें, लाइक आपकी टॉप लाइन क्या क्या होनी चाहिए, आप टॉप लाइन के अलावा आप उसको एक्सपेंस को कैसे आप कंट्रोल करें ताकि आपका बॉटम लाइन या एबिटा नेट प्रॉफिट जो है वो सही आ सके। तो मैं ऑनर को भी पर्सनली ट्रेन करूँगा कि सर आप जो भी मैन पावर आपके अंडर हो उसको कैसे आप हैंडल करें और कैसे आप कैफ़े बिजनेस को आप कैसे सक्सेसफुली रन कर सकें। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर नया कैफ़े ओपन करता है, ओवलबिन कैफ़े कहीं भी फ्रेंचाइजी लेता है, तो नॉर्मली कितने दिनों में वो प्रॉफिटेबल हो जाता है? हाँ, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 to 3 months ओके मैक्स, बट आफ्टर 3 months हमें धीरे धीरे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, और 6 months में कंप्लीटली हमारा ऑपरेशन स्मूथ हो जाता है और हमें प्रॉफिट आने लगता है। आरओआई बेसिकली हमारा 12 months का टारगेट होता है कि 12 to 14 months में हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट किया हमने वो रिटर्न हो जाए। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बताना चाहूँगा कि अगर आप ओवलबिन कैफे की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 business models है, पहला कियोस्क और दूसरा डाइन इन। कियोस्क में आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख प्लस जाता है, डाइन इन में आपका इन्वेस्टमेंट 15 लाख प्लस जाता है, 5% आपकी रॉयल्टी है, आप 12 to 15 months या फिर हो सकता है देखिए इन्वेस्ट आरओआई आपको कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपको मिलती है, और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, भले वो मार्केटिंग का हो, ट्रेनिंग का हो, स्टाफ हायरिंग का हो, हर तरीके का सपोर्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करती हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट लोगों को चाहिए होता है लोकेशन का, क्योंकि अगर बिजनेस में लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 things हर कोई कहता है ना कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लोकेशन, दूसरा लोकेशन और तीसरा लोकेशन। सही लोकेशन में अगर आपने बिजनेस किया तो बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, तो लोकेशन चूज करने में आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं? जी हमारी बीडी टीम है एक्चुअली, हम पर्सनली भी एक बार जाके विजिट करते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो हम उसको स्कैन करते हैं, पूरा मार्केट सर्वे करते हैं कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के यहाँ पे क्लाइंट्स है, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोकेशन चूज करते हैं, और जो हमारी बीडी टीम होती है वो पूरा फुल एंड फाइनल टच देती है उसको, उसके बाद हम अपना वहाँ पे कैफे ओपन करते हैं। कैफे ओपन करने में कितना समय लगता है? आज किसी ने फ्रेंचाइजी फाइनल की, आपके साथ एलओआई किया, एग्रीमेंट किया, उसके बाद कितना समय लगता है इस पूरे कैफे को स्टार्ट करने में? सर हमारा बेसिकली टारगेट होता है कि विद इन अ मंथ जो भी अगर एग्रीमेंट करता है विद इन अ मंथ उनको हम कैफे रेडी करके उनको सौंप दें, उनको दे दें, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है। कियोस्क मॉडल में उससे पहले भी वो कर सकते हैं, 15 to 20 days में कैफे रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिकली इक्विपमेंट हमें अरेंज करना होता है
और कियोस्क मॉडल में अगर हम हॉस्पिटल में करते हैं या फिर मॉल में करते हैं तो उनका बना बनाया ऑलरेडी रहता है सब कुछ इंटीरियर, हमें इक्विपमेंट अरेंज करना पड़ता है। बट अगर हम डाइनिंग करते हैं तो उसमें हमें अप्रॉक्स वन मंथ के अप्रॉक्स हम उसको सेटल कर देंगे। तो बेसिकली कियोस्क में क्या होता है, आपको असेंबलिंग ज़्यादा होता है, बनने का काम कम होता है, लेकिन जब डाइनिंग में जाते हैं तो सब कुछ नया बनता है, सारी सब चीज़ें, चाहे वो फर्नीचर हो, फिक्चर्स हो, सब चीज़ें वहीं पर बनती हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी एक महीने के अंदर आप अपना कैफे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना ओवरबिन कैफे के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, आप इस बिजनेस की शुरुआत अपने शहर में कर सकते हैं। तो सचिन जी, मैं आपसे कि आप हमारे दर्शकों से कुछ अपील करें कि आखिरकार वो इस बिजनेस में क्यों आए और आप क्या उन्हें मैसेज दे रहे हैं। मैं बस यही बोलना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए हमसे और बिजनेस स्टार्ट करिए। जो जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आइए, जुड़िए, हमारी फ्रेंचाइजी लीजिए, पूरे इंडिया में फैलिए और टू मेक इंडिया हैप्पी एंड प्राइड। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ यूथ से और जो भी अपना स्टार्टअप खुद का स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो इफ़ यू हैव जील, इफ़ यू हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग ओन, सो हमारे साथ आप जुड़ें, वी विल सपोर्ट यू फुल, वी विल गिव यू फुली सपोर्ट टू लाइक स्टार्ट योर ओन कंपनी, स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड लाइक आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े हमारे सपोर्ट से और आपके जो भी है साथ मिलकर हम काम करेंगे और कैफे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपकी मुलाकात कराई दो यंग एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि बिना पैसे के बिजनेस को शुरू किया और यहीं से कमाकर सिर्फ 2 से 3 सालों में अपने 10 आउटलेट स्टार्ट कर लिए, वो भी दिल्ली की सबसे पॉश लोकेशंस में। आज हजारों लाखों लोग इनको पसंद करते हैं, रेगुलर इनके कैफे में आते हैं, तो आप भी अपने शहर में इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, हम आपकी मुलाकात कराएंगे देश के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर से और एक से बढ़कर एक बिजनेस मॉडल आपको मिलेगा। दोस्तों नंबर आपको दे दिया जाएगा स्क्रीन पर भी, डिस्क्रिप्शन में भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको ओवरबिन कैफे में। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूं आशीष अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम सर, थैंक यू।